पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे ब्राह्मण, किधर को तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ भाई। यह भी खूब रही, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भाई द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई। बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा संग। क्या हंसी ठट्टा करने को हम ही मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन फटेहाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है, और कहां महाराज श्री कृष्ण। क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया सुदामा हो, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। जा करके कह दो तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखा पद नसीब आ गया है। सुन लो, जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाते तब तक मैं यहीं बैठा हूं, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए।
ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है, लगता है जैसे प्राण होंठों पर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारिकाधीश का मित्र हुआ तो क्या होगा भैया? सही कहते हो, अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेंगी, अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है, क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दें? ऐसे करो तुम जाओ भैया। तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात को समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है, द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को। रुक क्यों गए, आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है, अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा, सुदामा? मेरा बाल सखा सुदामा, मेरे बचपन का मित्र सुदामा, सुदामा मेरा मित्र सुदामा। स्वामी 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 स्वामी। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से बिल्कुल मीठी मीठी ताली के साथ ऐसा मनोरम दृश्य के लिए, क्योंकि बाल सखा से मिले साक्षात कृष्ण भगवान आए हैं। रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ, रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान सुदामा आओ, चले आओ, इस महल को अपना ही समझो, मेरी बाल सखा शर्माना कैसा, चले आओ। रुक्मणी रुक्मणी, मेरे मित्र के स्वागत की तैयारी करो, घबराओ मत सुदामा, सिंहासन पर बैठो। नहीं नहीं, मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज। मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित ना करो, मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। महाराज बराबर पे अपने खोलकर ताली बजाने को सभी लोग, हरि बोल। श्याम ने दुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं प्यारे जरा तुम सुदामा,
ना घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया। सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बिल्कुल, एक बार पुनः मीठी मीठी ताली बजाते जाएं। प्यारे